एआईसीसी कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मीडिया सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा और कहा कि विपक्ष पर आधे से ज्यादा ईडी और सीबीआई के छापे हुए हैं, मगर जो लोग इनसे जुड़ रहे हैं उन्हें ईडी और सीबीआई भूल गई है। जब उनसे भ्रष्टाचार के कीचड़ में कमल खिल जाता है तो ईडी को करप्शन की महक आना बंद हो जाती है। कोई कीचड़ में धूल साफ नहीं कर सकता। मीडिया सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा और क्या कह रहे हैं वो सुनो। रिमोट है ना ईडी का, हमें भी मालूम है कहाँ है, आपको भी मालूम है कहाँ। तो रेट लिस्ट क्या है ईडी की, ये सार्वजनिक करना चाहिए। 15 लाख ये लेते हैं, 25 ये लेते हैं, और ऊपर जो और लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो कितने लेते होंगे। हम लोग सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्टार प्रचारकों का की एक लिस्ट जारी करते हैं चुनाव से पहले। हमारे स्टार प्रचारक और बीजेपी के सरकार प्रचारक, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब इनके सरकार प्रचारक, एनसीबी, सब ये तमाम जो इनको टारगेट दे दिया था। चुनाव आ गया है, ये लिस्ट है, इनमें से किसको आप डरा धमका के भाजपा में शामिल करवा सकते हो, नहीं होते तो फिर इनको निपटाओ। ये एक टूल किट है, मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा, ये टूल किट मोदी जी का अपना टूल किट है। हम हमेशा, कांग्रेस पार्टी हमेशा जांच एजेंसियों को, हम चाहते हैं वो शक्तिशाली रहे, वो निर्भीक रहे, वो किसी के कंट्रोल में रहकर काम न करें, स्वायत्त रहें, ऑटोनोमस रहे जिसको कहते हैं अंग्रेजी। आप इन एजेंसीज को मजबूत कीजिए, मजबूर मत कीजिए। हमारी आपसे सिर्फ यही